लग रहा है, क्या लगता है पुलिस को जांच में किस तरीके की बात आई है सामने? हाँ, डेफिनेटली ही इज़ दी सस्पेक्ट। उसकी जो बातें हैं उनको वेरीफाई करने के लिए अभी जो कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड है हमारे पास, अभी 10:30 बजे तक आ जाएगा। चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही स्पष्ट हम बता पाएंगे। कोई परिजन और नजदीकी? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ भी कहना प्रीमैच्योर होगा। थैंक यू। पूरी गहराई से जांच होगी और जो सत्यता होगी सामने आएगी। देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दरोगा दिनेश मिश्रा की हत्या, उनके ही साथ रहने वाले प्राइवेट कर्मचारी धीरज शर्मा उर्फ परवीन पुत्र स्वर्गीय राम बाबू शर्मा निवासी बी 470 कालिंदिया बिहार फेज 3 थाना ट्रांस यमुना आगरा ने की थी। मामूली कहासुनी होने पर उसने अपने पास रखे तमंचे से गोली मार दी। उसके बाद बदमाशों द्वारा हत्या की कहानी रच पुलिस और दरोगा की पत्नी को बताया। आरोपी दो दिन तक पुलिस को झूठ बोलकर घुमाने का प्रयास करता रहा, लेकिन अंत में अपने ही बनाए जाल में फंस गया। गुरुवार की रात अराव थाने में तैनात 55 वर्षीय दरोगा दिनेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें गंभीर रूप से घायल अवस्था में ट्रामा सेंटर लाया गया था। काफ़ी प्रयास के बाद भी उनकी जान नहीं बच सकी थी। इस वारदात से पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। रात को ही एडीजी राजीव कृष्ण और आईजी दीपक कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया था। हालातों और प्रारंभिक बयानों के आधार पर ही पुलिस को घटना के समय दरोगा के साथ मौजूदा आगरा के कलिंदी बिहारी निवासी धीरज शर्मा पर शक था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सर्विस लॉस के जरिए उसमें मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने के बाद पुलिस को उसी की वारदात होने का यकीन हो गया। उसके बाद उसने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता विजय बघेल की फिरोजाबाद से यह लेटेस्ट खबर। शराब कहाँ पी फिर तुमने? आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या हुई थी जिसके चले गोली चलानी पड़ी? आप उनके पीछे मोटरसाइकिल पे थे, घटना हुई है 8:10 पे। आखिर ये डेढ़ घंटे में आपने सवा घंटे आखिर ये डेढ़ घंटे में आपने सवा घंटे में शराब कहाँ पी, और क्या ऐसा नशा है कि वो डेढ़ घंटे बाद भी इस रूट पर रहेगा? अफसोस तो कानून देखेगा। हम आपसे घटना पूछ रहे हैं, हम कानून की नहीं बात कर रहे। तुमने किसी समाचार पत्र में भी काम किया? हाँ, मैंने उसमें काम किया, डीएल प्रेस में काम किया था, और डीएल प्रेस से ही मुझे शराब पीने लग लग गई। इन तारीख को रात्रि लगभग 8 बजे हमारे यहाँ थाना आराव पर तैनात सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बहुत ही एक जघन्य अपराध कारित हुआ था, और मैं समझता हूँ कि फिरोजाबाद पुलिस के लिए रिसेंट टाइम्स में वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजेस वाली ये घटना कारित की गई थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारी पूरे जनपद के सभी अधिकारी, SSP महोदय स्वयं, सभी लोग, और उसके बाद हमारे रेंज स्तरीय अधिकारी सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे, और तत्काल हम लोगों ने घटना की सूचना के बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया था, जहाँ उनकी ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। इस घटना में हमारे पूरे जनपद की टीम लगाई गई, 4 टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी। उसमें CO सिरसागंज, SHO आराव, हमारी जो क्राइम पर काम करने वाली टीम SHO रामगढ़, SHO मक्खनपुर, SHO शिकोहाबाद, जितने हमारे इम्पोर्टेंट हमारी टीम्स बनाई जा सकती थी हम लोगों ने बनाया, और इस पर लगातार काम होना शुरू हुआ। अंततः हम लोगों ने इस घटना को आज वर्कआउट किया है। उस दिन 3rd को सब इंस्पेक्टर जो हमारे
दिनेश मिश्रा जी थे, उनके साथ एक व्यक्ति जो उनके साथ काम कर रहा था उनके घर पर, उनकी व्यवस्थाएँ देखता था, उनके घर का कामकाज देखता था, उनके साथ आ रहा था और उसी ने आउट ऑफ एंगर किसी बात को लेकर उसने धोखे से उनके ऊपर गोली चलाई जिससे उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने जब उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की बहुत सघनता के साथ, तो निशेली उसने बहुत सारी बातें बताई और जो लोग मौके पर पहले पहुंचे थे उन लोगों को जो बातें बताई और जो वहाँ पे घटनास्थल पे जो हमारे एविडेंसेस मिले उसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे, तो हम लोगों ने बड़े सघनता के साथ इससे पूछताछ की और बाद में उसने स्वीकार किया और उसके बाद जो घटना में प्रयुक्त असलाह था उसको भी इसने बरामद कराई। इस प्रकार इस घटना को उनके साथ चलने वाला व्यक्ति, उनके साथ रहने वाला व्यक्ति ही कारित किया, जिसका नाम धीरज शर्मा है और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है, असलाह की बरामदगी हुई है और बाकी इसमें हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसी क्या नफरत थी कि जिसकी वजह से उसने गोली मारी? देखिए, उस दिन इसका ये कहना था कि कुछ जो सैलरीज वगैरह देते थे सैलरी में डिले कर रहे थे, इसको अपनी बेटी का फ़ी देना था, इन सब चीज़ों को लेकर के ये परेशान था और उनसे फ़ी मांगने पर संभवतः उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की होगी, उसी को लेकर के गुस्से में इसने ये घटना करी थी।